तो चलो गाइस, मैंने कुछ SGMT का प्रॉमिस किया था 7 तारीख को पेट्रो ट्रिक बताऊंगा, तो पेट्रो ट्रिक बता रहा हूँ गाइस, लेकिन ये ट्रिक वर्किंग करेगा या नहीं करेगा आई डोंट नो। लेकिन गाइस देखो, ट्राई करोगे तो सफलता मिलेगी, अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो चलो यार, टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लेना गाइस, क्योंकि मैं आपको बताते बताते थक गया कि यूनिक ट्रिक और लूट सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बताता हूँ। है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लिंक अपना गलत पियाँ करके वैसा सोशिया से सर्च कर लेना, चैनल मिल जाएगा, जाके ज्वाइन हो जाना। एंड यूट्यूब पे भले ही मेरा सब्सक्राइबर कम है गाइस, लेकिन मैं यूनिक ट्रिक हमेशा आपके लिए लाता हूँ, तो प्लीज़ यार ज्वाइन कर लेना यूट्यूब चैनल को भी। चलो अब चलते हैं। तो सबसे पहले तो इस साइड पर आओगे तो इस तरीके से आएगा, यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको एक विड्रॉल का सेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो विड्रॉल पर क्लिक करना है, यहाँ पर विड्रॉल पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये बोलेगा सबसे पहले तो कि आपको अपने पास जो भी NFT है आपके पास वो मार्केट प्लेस पे सेल पे लगा दो गाइस, और उस NFT के सेल होने के बाद आपको ये टोकन क्लेम करने को दिया जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसका एक ट्रिक है गाइस, आई डोंट नो लेकिन ये ट्रिक वर्किंग कर जाए, ठीक है गाइस। मैं तो ट्राई कर चुका हूँ, आपको भी करना है तो आप कर लेना, ठीक है। तो चलो कैसे करना है बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसका मार्केट प्लेस का लिंक है यहाँ पर, मैंने टेलीग्राम पे छोड़ के रखा था, इसको फिर से दे दूँगा गाइस, आ जाना इधर, ठीक है। और अपना वॉलेट को कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने दूसरा वॉलेट कनेक्ट करके रखा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके पहले तो इसको हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं पहले लॉगआउट कर दूँगा। लॉगआउट करने के बाद यहाँ से सिंपली सा क्या करूँगा, मैं अपना मेन वॉलेट को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। वॉलेट कनेक्ट पर क्लिक करके अभी मैं ट्रिक ही तो बता रहा हूँ गाइस, थोड़ा ध्यान से देख लेना। यहाँ पर इथेरियम की जगह BSC को सिलेक्ट करके कंफर्म कर देना, आपका हो जाएगा वॉलेट कनेक्ट, ठीक है। अभी देखो, मैंने तो वो NFT सेल पे लगा दी, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इन्वेंट्री पे जाता हूँ, लोगों पे क्लिक करके इन्वेंट्री पे जाता हूँ। तो थोड़ा सा वेट लेकर गाइस, ये थोड़ा ओपन होने में टाइम ले सकता है। तो देखो गाइस, ये तो मैंने सेल पे लगा दिया, देख लो गाइस, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने इसको सेल पे लगा दिया है, देख सकते हो। मैं दिखाता हूँ गाइस, थोड़ा सा यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, वो NFT कहाँ है मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा सर्वर डाउन है तो वेट करना पड़ेगा गाइस, तो वेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से तो वो NFT गायब हो चुकी है, देख लो गाइस मैंने क्या किया, पता है गाइस, सिंपली सा ट्रिक बता दे रहा हूँ। आपका मान लो सूज वाला NFT है, ठीक है। उस सूज वाले NFT पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको बहुत ही कम प्राइस में $0.2 $0.3 पे लगा देना है, और फिर आपको अपने इस वॉलेट को यहाँ पर क्लिक करके इसको लॉग आउट कर देना है, ठीक है। देखो मैं जैसे कि आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर मैं आपको सेलिंग ऑर्डर पर भी जाके दिखाता हूँ, शायद मेरा NFT दिख जाए तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर दिखता है तो साला इधर दिख ही नहीं रहा, ठीक है। अगर दिखता है तो दिखाता हूँ गाइस, ठीक है। ऑर्डर पे भी जाता हूँ, ऑर्डर पे भी दिख जाए तो अच्छा है गाइस, अगर ऑर्डर पे भी दिख जाए तो। थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ गाइस। तो अभी आपको आगे का स्टेप कैसे करना है, यहाँ से आपका ये मेन वॉलेट है तो इसको लॉगआउट कर देना पहले सेल पे लगाने के बाद। कुछ BNB का ट्रांजेक्शन फीस लगेगा 30-24 रुपये के आसपास, इसको लॉगआउट कर देना। लॉगआउट कर दोगे गाइस, और हाँ, जब आप सेल पे लगाओ तब एक चीज़ का ख्याल रख लेना गाइस, वो क्या मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप इसको सेल पे लगाओगे, पहले तो मैं मेन वॉलेट के साथ इसे कनेक्ट करता हूँ, मेन वॉलेट के साथ इसे कनेक्ट करने के बाद दिखाता हूँ, ठीक है। आप जब इसे सेल पे लगाओगे ना गाइस, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कोई दूसरी NFT ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से इन्वेंट्री पे जाके कोई दूसरा NFT ले लेता हूँ, फिलहाल के लिए वो NFT तो सेल हो चुका है मेरा, ठीक है। देखो गाइस, मैं दिखाता हूँ, ठीक है, आपको 2 सेकंड। तो देखो गाइस, यहाँ पर देखो मेरे पास बहुत सारी NFT है, तो मैं इसी NFT को ले लेता हूँ, फर्स्ट वाली, ठीक है। फर्स्ट वाली को चूज़ करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जब आप इसे सेल पे लगाने जाओगे ना, तो यहाँ पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद एक ट्रांजेक्शन ट्रस्ट वॉलेट पे आएगा छोटा सा, इसे साइन इन करना पहले तो ऑटोमेटिकली बैक आ जाओगे। उसके बाद इस तरीके के यहाँ पर क्लिक करना, पता नहीं गाइस हो नहीं रहा, ठीक है। तो 1 सेकंड गाइस, देखो मेरे यहाँ पर ये लगा के रखा था, ठीक है, मेरा ये NFT मैंने सेल पे लगा के रखा है, ठीक है। 0.01 पे ये लगा के रखा है, देखो अभी इसको किसी ने परचेस भी कर लिया है, ये मैंने खुद के अकाउंट में किया है। देखो मैं यहाँ पर बिट पे ले जाके दिखाता हूँ, मैंने क्या किया, इसको कितने में लगाया था, देखो $0.24 पे लगाया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कितना दे रहा हूँ इनको, $0.24 दे रहा हूँ, तो मेरे दूसरे अकाउंट में 24 घंटे के बाद ये NFT आ जाएगी, ठीक है। मार्केट प्लेस पर ही सेल करना है, अगर डायरेक्टली करना होता तो मैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता, लेकिन यहाँ पर मार्केट प्लेस पर ही करना है, तो 24 घंटे के बाद मेरी इसी एड्रेस पे ये NFT आ जाएगी। देखो मैंने यहाँ पर वही ट्रिक लगाई, ठीक है।
पहले क्या किया, सेल पे लगा दिया, ठीक है। सेल पे लगाने के बाद यहाँ से इस NFT का लिंक कॉपी कर लिया, इस NFT का लिंक कॉपी करके टेलीग्राम सेवर मेथड पे गया और सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ से क्लिक किया इस वॉलेट पे, वॉलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से लॉगआउट कर दिया इसे और दूसरा वॉलेट कनेक्ट कर दिया। दिखा था वो भी, उस वॉलेट को भी कनेक्ट करके कि यहाँ पर मेरा लगा पड़ा है कि नहीं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी वॉलेट को कनेक्ट कर रहा हूँ अभी, जिससे मैंने बाई किया था, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं इसे कनेक्ट करके ही दिखा रहा हूँ आपको, चलो ठीक है। यहाँ पर देखो ये बोल रहा है ना, ये देखो ये है मेरा एड्रेस, और यहाँ पे भी देख लो अकाउंट एड्रेस भी देख लो, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इन्वेंट्री पे क्लिक करता हूँ तो देख लो गाइस, यहाँ पर देख लो, मैं आपको इन्वेंट्री पे क्लिक करके भी अकाउंट एड्रेस दिखाता हूँ, देख लो। लास्ट में भी मेरा है और यहाँ पे भी मेरा है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे भी 24 घंटे के बाद अगर कोई मुझसे ज़्यादा बैट लगाता नहीं है तो मेरे को वो NFT मेरे ही दूसरे अकाउंट में मिल जाएगी, और उसके बाद ये टोकन मैं आके सीधा क्लेम कर पाऊँगा, ठीक है। तो यही छोटा सा ट्रिक है गाइस, फले इसमें आपका थोड़ा सा BNB का चार्जेस लगेगा ज़रूर गाइस, चार्जेस तो लगना ही है, तो लगने दो, थोड़ा सा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये NFT जैसे ही क्लेम हो जाएगी 24 घंटे के बाद, मार्केट प्लेस पर सेल हो जाएगी, उसके बाद गाइस मैं इसे इस टोकन को क्लेम कर पाऊँगा, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है गाइस आपको ये ट्रिक पसंद आई है, तो लाइक कर देना, फिर मिलता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ऑफर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, जय हिंद वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।